प्रशांत किशोर ने जो 100 सीटें बोली थी वो गलती से, इनफैक्ट वो था तो टीएमसी के लिए, क्योंकि अब उनके क्लाइंट थे तो उन्होंने उनको बोलना ही था कि ये बीजेपी के लिए है। आप उल्टा करके चलिए और उनकी अभी जो एक चैट लीक हुई थी उससे भी पता चलता है। तो इनफैक्ट प्रशांत किशोर बोलना ये चाहते थे कि ये 100 सीटें हमारी अपने क्लाइंट टीएमसी के लिए है, ममता दीदी के लिए है। तो ये बतौलेबाजी में बड़े आगे हैं, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। बातें कर रहे हैं रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा शुम्बा शुम्बा, रंबा हो गाना गाने से आप जीतेंगे क्या? सरकार जी भी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा कर रहे हैं। तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा रंबा हो गाना गाने से आप थोड़ी जीत जाएंगे। फैक्ट ये है, थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर के बीजेपी वहां पे लीड करेगी, डायनामिक्स बेसिस पे अगर आप देखिए। अल्टीमेट अगर बताया जाए तो कुछ भी हो, बीजेपी वहां सरकार बनाने के कंडीशन में रहेगी। मैं ये भी बोलता हूँ कि 200-250 सीटें वो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है बीजेपी के लिए इस फेज में, इस ईयर के इलेक्शन में। लेकिन फिर भी मार्जिनल विक्ट्री वाली जो सिचुएशन होती है 160-170 के आसपास का जो होता है वो बीजेपी गेन कर। और दूसरी चीज जो संभावना आपने व्यक्त की है, अगर त्रिशंकु सरकार बनती है, हम इस संभावना पे भी बात कर लेते हैं, तो वहां पे भी बीजेपी उस सिचुएशन को लीड कर जाएगी। त्रिशंकु सरकार बनेगी वहां पे, बीजेपी टीएमसी दोनों चाहेंगे कि हम दूसरे लोगों को मिला के समर्थन लेके करें। बीजेपी की इफिशियंसी ज्यादा है, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा है, लोगों का नेचुरल अट्रैक्शन बीजेपी की तरफ ज्यादा होगा। उसका एक रीजन है कि आपने देखा 10-15 नेता तो जैसे ही प्रशांत किशोर ने कैंपेनिंग शुरू की टीएमसी से डिससैटिस्फाइड हो गए, जो मेन उनके पिलर थे बीजेपी में आ गए। हाँ हाँ